नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार गिर गई, इस पे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ कि ये जो पेन है ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट के कारण आया है। पीसीआर हमारे फेवर में नहीं था, ऑप्शन डेटा हमारे फेवर में नहीं था, एफआईआईज कल बिकवाली करके गए थे, एक्सपायरी एडजस्टमेंट हुआ था, अब फ्राइडे भी है, तो कई सारी चीज़ें जब एक साथ नेगेटिव हो जाती हैं तो ऐसी ही बिकवाली आती है। इस बिकवाली से आपको ये नहीं सोच लेना है सब कुछ मैच करके भाग जाए। एक चीज़ ध्यान रखना, आज पोर्टफोलियो बिल्कुल सभी का नेगेटिव ही रहा होगा, बहुत ही रेयर सिनारियो में हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो आज ऊपर हो। बाकी जो पोर्टफोलियो पिछले एक महीने में मेरा पोर्टफोलियो शायद 16.5% ऊपर है, अब अगर वो आज 1.5% डाउन था भी तो मुझे उसकी तरफ आज नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि इतने दिन में बाजार ने बहुत बेहतरीन वाला रिटर्न दिया है। मैं आपको वीकली कैंडल्स दिखा रहा हूँ मार्केट की। अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल ऑलमोस्ट 4% ऊपर है, ये वाली कैंडल ऑलमोस्ट 3% ऊपर है, ये वाली कैंडल ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है, ये वाली कैंडल भी ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। इसके बाद अगर हमें कोई ऐसी कैंडल मिल गई जो बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुई है, जी हाँ, इस वीक की कैंडल बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुई है, फ्लैट अगर हम दूसरे एंगल से कहें तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही क्लोज हुई है। हाँ, इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब होता है आपको पता है? खैर, इन्वर्टेड हैमर हमको एक संकेत तो देता है, लेकिन वो जो संकेत हमें मिल रहा है उसको फुलफिल करने के लिए ग्लोबल मार्केट में हमको कमजोरी दिखनी चाहिए। नहीं दिखेगी तो फिर से हम धूमधड़ाका करेंगे। 18,000 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ पर आज बाजार रेजिस्टेंस प्राप्त की। और देखिए, कई सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाज़ार अपने बहाने ढूंढ लेती है गिरने के लिए। हाँ, एक चीज़, क्या गिरने से पहले हमें कुछ पता लग सकता था? क्या हम कुछ डिकोड कर सकते थे? क्या निफ्टी ने सेटअप कमाल किया है आज? वही दिखाएंगे आपको। तो चलिए, लेवल्स आपके लिए प्लॉटेड है। आई होप आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। तो कारण आप समझ गए, कारण कई हैं बाजार के गिरने के, लेकिन ये गिरावट ऐसी भी नहीं है कि आप इसमें डर जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए यहाँ पर मार्क्ड है 18,000 से थोड़ा सा पहले वो लेवल था, वहीं से बाजार को फिसलना पड़ा। और आप देख सकते हो जब ये लेवल टूट गया बाजार में, फिर देखिए कैसे धड़ाम से बाजार गिरी। कहीं पर भी आज बाजार को सपोर्ट मिल नहीं रहा था। हाँ, एक लेवल था हमारा इंपॉर्टेंट जहाँ पर बाजार एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की तो फिर उसी लेवल के आसपास गई जो अगला रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर वहाँ से गिरी। इसके नीचे का कोई आपको लेवल दिया नहीं गया था तो बाजार यहाँ पर थोड़ा सा समय बिताई। हाँ, फॉर्चुनेटली आज का दिन काफ़ी अच्छा गया ट्रेड करने के हिसाब से। चाहे आप यहाँ वाला ट्रेड पकड़े हो, चाहे आप यहाँ वाला ट्रेड पकड़े हो, दोनों जगह पे आपको टारगेट मिला। यहाँ पर ट्रेड पकड़े होगे तो भी आपको बाई साइड का टारगेट मिला। कुछ गलतियाँ भी हुई मुझसे, जैसे कि यहाँ पर जो मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया, ठीक है, उसको मैं उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है। क्वांटिटी भले कम थी लेकिन मैं चाहता तो बढ़िया वाला बड़ा वाला प्रॉफिट बुक कर लेता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा प्रॉफिट बुक किया और वो एक तरीके से मेरी गलती ही थी। खैर, निफ्टी सेटअप के लिए आज का दिन बहुत अच्छा गया। और आप खुद जाकर के चेक करो ये लेवल आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था या नहीं। आज जो निफ्टी में कमजोरी आई वो बैंक निफ्टी की तरफ से ज्यादा तकलीफ वाली थी, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर हो गया था। आप जाकर के चार देखोगे बैंक निफ्टी की कैंडल्स को तो भाई साहब 1.90% नीचे है बैंक निफ्टी की कैंडल। हाँ, इसने तकलीफ दी है। अगर आप वीकली कैंडल जाकर के चेक करोगे तो ये निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा आपको निराश करती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां पर जो क्लोजिंग हुई है वीकली बेसिस पे वो हुई है नेगेटिव और अपनी निफ्टी जो है वो पॉजिटिव क्लोज की है इस हफ्ते भी। सिगाची आज दूसरे दिन भाई साहब 0.5% ऊपर, एक समय तो 9-10% ऊपर, कल डिविडेंड, कल भी धमाका। और आपको अगर याद हो आज देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, आज देखिए वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो जाकर के देख लो, वरना बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। मुझसे जो नज़रें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। गलत जगह मत भटको दोस्त, गलत जगह मत भटको, सही चीज़ पकड़ो। बाजार गिरेगी तो भी वो धूमधड़ाका करेंगे, सही चीज़ पकड़ना सीखो 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 सीखो। नहीं सीखोगे तो भटकते रहो, नज़रें चुराते रहो, कोई बात नहीं। धूमधड़ाका धूमधड़ाका धूमधड़ाका। और सिर्फ सिगाची नहीं भाई साहब, जो पोर्टफोलियो आपको लोअर लेवल पे दिया गया था और वहाँ पर आपसे कुछ बातें भी बताई गई थी, उसमें IRCTC भी था जो कि लगातार दो दिन से धमाका किए पड़ा है, बाजार गिर रही है फिर भी। HDFC AMC भी था जिसने एक बड़ा वाला धमाका किया था ऑलमोस्ट 12% का। कौन सा था वो पोर्टफोलियो, जा करके वीडियो देखना, वीकेंड है। खैर, बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। तो ओवरऑल तकलीफ चारों तरफ थी, कुछ खास कह नहीं सकते। हाँ, निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ थी। मोस्ट एक्टिव स्टॉक जो था वो था अदानी पोर्ट, पॉजिटिव साइड का। अदानी की क्या ही बात करें, अदानी एंटरप्राइजेस 1% नीचे था, IRCTC 2% ऊपर था, जोमैटो आज 9% गिर गया, अदानी ग्रीन 5% ऊपर, ठीक है। ओवरऑल सिनारियो में अगर आप देखोगे मार्केट के लिए, जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहाँ पर भी आज तकलीफ थी। निफ्टी बैंक में तकलीफ थी, निफ्टी में तकलीफ थी। तो जो ये तकलीफ आई उसके कारण कई बन गए, लेकिन आपको यहाँ पर डरना नहीं है, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, ठीक है, इमरान खान स्टाइल। बाकी अभी आपसे विदा लेने का समय है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी इंजॉय कीजिए इसको। आज पोर्टफोलियो में बिल्कुल
आपको लॉसेस दिख रहे होंगे, मैंने उसको पहले भी कहा कि आपको उसको इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि पिछले कुछ समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है आप ही के पोर्टफोलियो ने, जो भी आपने बनाया होगा। अगर आपने अच्छे खासे स्टॉक वहाँ पर सेलेक्ट किए हैं तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपको वो अच्छा खासा रिटर्न ना दिए हों। अगर अकेले निफ्टी देख लो यार, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, मतलब अगर आप पिछले एक महीने की बात करोगे 10% से ऊपर ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करके निफ्टी दिखाई है। तो आपका पोर्टफोलियो भी अगर 10% भी नहीं चला तो क्या यार, उससे अच्छा निफ्टी में पैसे लगा दो। और अगर चला है इतना अच्छा तो 2% गिर गया तो कोई बात नहीं, इतना गिरना चाहिए। 18,000 का लेवल है, उसको सम्मान नहीं देगी निफ्टी तो किसको देगी यार, समझ गए। तो चलिए अभी आपसे विदा लेने का समय है, इन्जॉय कीजिए, वीकेंड है, वीकेंड पे सीखने की कोशिश कीजिएगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो जाइए, शुभकामनाएं आपको पहले भी मैंने दी हैं, अभी भी दे रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इन्जॉय कीजिए, सीखते रहिए कृष्ण से, गीता जरूर सीखना, कुछ और सीखना हो ना सीखना हो वो बात अलग की है, लेकिन गीता नहीं सीखोगे तो बहुत पछताओगे। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि किसी और गली जाने से अच्छा है जिस गली में हो उस गली को सुधार जाओ, वरना जब सिगाची जैसा स्टॉक चलने से पहले बताएगा कि हम ऊपर जाना चाहते हैं और आप कहोगे नहीं यार तुम्हारी शक्ल ही नहीं अच्छी है, तुम तो ऊपर जा ही नहीं सकते, तुम्हारी शक्ल एकदम बेकार सी लग रही है, तुम अच्छे लग ही नहीं रहे हो मुझे, और फिर बोलेगा अच्छा बेटा औकात देखोगे तो देख लो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।